वाली कमरे आज हम मनोरी जा रहे, आज हम मिनी गोवा जा रहे। Thank you.
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं और हम मनोरी बीज आए हैं। 3 किलो गाजर लेके उसको साफ कर धो के साफ किए हैं, किसके लिए हैं। अभी 3 किलो गाजर में 1 किलो मावा है, 1 लीटर दूध है, घी डालेंगे हिसाब से और शक्कर डालेंगे 1 किलो। गाजर के हलवा के लिए 200 ग्राम घी डालती है, असली घी है, गोवर्धन घी है। अभी घी हो गया तो इसके अंदर हमने 3-4 इलायची डाल दी, इलायची डाल दिए, इलायची को तड़ तड़ होने देंगे। अभी ये गाजर डालेंगे, घी में अच्छे से भून के हो गया। अभी 1 लीटर उसके अंदर दूध डालिए, पहले भी हमने गाजर की हलवा जब भी वीडियो चालू की है, जब भी 4-5 साल पहले डाले थे, अभी वापस बना रहे, इतना टेस्टी बन रहा है, आज एकदम और अच्छा बना रहे, मार्केट जैसे बना रहे हलवाई जैसा, मावा ज़्यादा, दूध कम और क्या बोलते हैं इसको, शक्कर टेस्ट के हिसाब से। अब ये दूध सूखने तक पकाएंगे। अभी ढक्कन रखेंगे और दूध सूखने तक पकाएंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों को काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि ये बीज कहाँ है, ये मुंबई में है या बाहर है, तो प्लीज़ हम लोगों को इसका लोकेशन सेंड कर दो, तो लोकेशन बता दो। तो मैं आज आप लोगों को इसका एड्रेस बता रही हूँ। देखिए कितना क्लीनेस्ट बीज है कि आप इसके सरफेस को भी, मतलब नीचे मिट्टी को भी, रेत को भी देख सकते हो। इसमें यहाँ बीच पर क्राउड नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पर कूड़ा कचरा, और यहाँ पर कूड़ा कचरा अगर आप करोगे तो आपको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ता है ये बीच पर। अच्छा, इसका एड्रेस ये है कि आप बाहिंदर उतरकर आपने एसल वर्ल्ड का रास्ता पकड़ना है। एसल वर्ल्ड जाने के रोड पर ही ये बीच में मनोरी आता है, तो आप अगर एसल वर्ल्ड के रास्ता पकड़ते हो और अगर आप किसी को भी कहते हो कि मनोरी बीच जाना है, तो वो लोग आपको बता देंगे ये बीच। वहाँ का जो लोकल पर्सन लोग होते हैं, अगर आप किसी से भी पूछोगे, आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि अपने को एसल वर्ल्ड जाना है, तो बस वो एसल वर्ल्ड का रास्ता आपने पकड़ा। और ऑटो वाले को तो बोलना बहुत ही आसान होता है कि अगर आप ऑटो वाले को कह दो कि मनोरी बीच जाना है, और आजकल सबसे बेस्ट चीज़ है मैप। आजकल हर किसी के पास में स्मार्टफोन होता है और उसमें आता है मैप ऐप। आप उसमें ये मनोरी बीच डाल दीजिए, ये जहाँ भी आपको जाना है आप उसका नाम डाल दीजिए, वो मैप खुद ही आपको सारे रास्ते बता देगा। देखो टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए इसमें शक्कर डाल रहे हैं, दूध थोड़ा बाकी है, देखो अभी शक्कर डाल रही, शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दो। अभी इसको मिक्स करेंगे, देखो आपने शक्कर डाल दिए, अभी ये पूरा शक्कर का पानी दूध भी सब सूखने तक पकाएंगे अच्छे से, हाँ, जब तक ढक्कन रख के रखेंगे, जब तक सीन लेने जा रही है आपका। आधा मावा डालेंगे, आधा किलो डालेंगे मावा, आधा किलो डाल दिए, आधा किलो सब करने के लिए काजू बादाम, तो मैं 1 किलो मावा होना जरूरी है। अभी काजू बादाम पिस्ता डाल, अभी अच्छे से मिक्स कर,
करेंगे। गाजर की हलवा हो गई एकदम फर्स्ट क्लास, मेरे घी से खुशबू आ रही है एकदम फर्स्ट क्लास। सब पक्षी झाँक झाँक के देख रही, झाँक झाँक के। अभी हम इसको डिसाउट कर रहे हैं। देखो गाजर की हलवा तैयार है, डिसाउट हो गई। अभी इसको ऐसा सब करते, देखो ऐसा थोड़ा थोड़ा चम्मच से हिला के मिक्स करके सब प्याली में लेके सब करेंगे। देखो ऐसा करके एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छा अच्छा बनाने का, अच्छा अच्छा खाने का, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। इधर हवा बहुत चल रही है इसलिए गाजर के हलवा को कम से कम 2 घंटा लगा पकने को, पानी सूखने को, चूस सूखने को 2 घंटा हो गया। इधर हवा बहुत तेज है, इधर देखे कैसा कर रहे डिशाउट, ऐसा करने का, ऐसा सब करके देने का, मेहमानों को खिलाने का, मेहमान आ गए घर वाले तो सबको कुछ कर देने का, ऐसा खिला के देखे एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बनाकर टेस्टी खाने का।